और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच, हम तो मजाक में कहते हैं जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो, 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसको भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रूपये अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए, महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। ये परिस्थिति है, ये समाज की नंगी तस्वीर है। और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल कुमार। सुन लिया आपने, ये है बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने सरपंचों के द्वारा 15 लाख के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं माना है। उनका साफ साफ कहना है कि सरपंच 7 लाख तो चुनाव में लगाता है और 7 लाख अगले चुनाव के लिए चाहिए और 1 लाख महंगाई के लिए चाहिए। आप एक बार फिर सुनिए करप्शन पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का ज्ञान। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच, हम तो मजाक में कहते हैं जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो, 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रूपये अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए, महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है, यह समाज की नंगी तस्वीर है। और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए। जनार्दन मिश्रा का यह वीडियो रीवा के किसी कार्यक्रम का है। जनार्दन मिश्रा पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि पीएम आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी में से निकलते हैं। उन्हें आगे कहा था कि जब तक मोदी की दाढ़ी रहेगी आवास मिलता रहेगा। इससे पहले साल 2019 में जनार्दन मिश्रा ने पुलिस वालों पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसमें कहा था कि अगर कांग्रेस या पुलिस का कोई व्यक्ति किसानों से वसूली करने आएगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे, उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार देंगे। यानी बयानों से हमेशा जनार्दन मिश्रा सुर्खियों में बने रहते हैं, और इस बार सरपंच के भ्रष्टाचार पर बयान देकर सुर्खियों और सोशल मीडिया पर छा गए हैं। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।